सिर्फ शाम को जितना भी चंदा इकट्ठा होगा वो शाम को आपने हमें बताना है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी तनवीर चौधरी, यू गाइस वाचिंग दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल चौधरी वाइब्स। सो वार्मली वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही मजे का है क्योंकि आज हमारे एक दोस्त ने हमें ऑफर की जी आज नाश्ता वो करवाएगा, तो हमने उसे सबसे पहले पिक किया और फिर अपने सफर का आगाज किया। उसने हमें रिकमेंड किया कि जी आज वो अपनी मर्जी की जगह पे, जो कि बहुत ही मशहूर है और जहाँ का नाश्ता बहुत ही जायकेदार है और बहुत ही मशहूर जगह है, तो वहां से करवाएगा। तो खैर हमने अपने सफर का आगाज किया। रास्ते में जाते हुए हमने बहुत शुगल मेला किया, बहुत बातें चातें की, ठीक है। और को पता है जब चार दोस्त इकट्ठे हों तो काफी अच्छा टाइम गुजरता है, तो हमने काफी गपशप की और अपने सफर की तरफ रवाना रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग पहुंच गए हैं जहाँ पे नाश्ता करना था। और ये भाई हैं जो आज हमें नाश्ता करवा रहे हैं। वाह क्या सीन है, समझ रहे हो? ये भाई, ये भाई हैं जो नाश्ता करवा रहे हैं। जल्दी बोल, कल सुबह। तो यहाँ पे तंज मजाक के बाद हम लोगों ने हाथ धोए और अपने टेबल पे जाके बैठ के जहाँ पे हमारा खाना सर्व करना था हमें वेटर ने, बिलाखिर बाजार की गलियां खत्म हुई और हमारा ऑर्डर चुना किया हुआ था वो हमारे तक पहुंच गया। जैसा कि हमें हमारे दोस्त ने बताया था कि जी वाकई बहुत मजेदार और जायकेदार है यहाँ का खाना, तो हमने खा के चेक किया, वाकई में ऐसा ही था। हम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। हम दो पहले हैं, हमारा कोई नहीं साहब साहब, हम देखे सुकून से करें, आराम से खाएं, आराम से पिए और दूसरों के पैसे पे याशी कर। चने आंडू ने आलू आंडे ने नाश्ता वगैरह माशाल्लाह कर लिया है। आज हमें नाश्ता कराया बिलाल भाई ने, जिनसे हमें बिल्कुल भी तवक्को ना थी, तो माशाल्लाह करवा दिया है। बहुत शुक्रिया आपका भाई, बिलाल भाई आपको बहुत शुक्रिया सर। सब ज्यादा मियाँ साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? ये बिलाल साहब ने बड़ी मुश्किल से नाश्ता कराया और ये बहुत, समझ रहे हो? हाँ ठीक है, बहुत मुश्किल से हमारे कंजे में आया ये, ठीक है। पहले तो मान नहीं रहा था, लेकिन इसने भी ना पैसे दिए हैं, गाड़ी बंद करे ना सर, तो बहुत मुश्किल से इनकी जेब से पैसे निकलवाए। बार बार ये कह रहे थे जी पैसे जो है ना, मेरा बटुआ घर रह गया, घर रह गया, मरना है क्या भोसड़ी के, जिनके अकाउंट में थे जैस कैश, तो वो हमने इनसे ट्रांसफर कर लिए अपने अकाउंट में और पैसे मैंने खुद दे दिए। और इसके जो उस्ताद है मोहतरम है ना, पीछे विकास भाई साहब जो बैठे हैं, ये दोनों की एक ही सलाह है, ये दो जिंदगी एक सलाह, वो कहते हैं दो जिस्म और एक जान। हाँ ये अच्छा। वो वाली बात है। चलें फिर, खैर बहुत शुक्रिया आप लोगों का। क्या हम ना प्यार बिलाल भाई को एक बिजनेस आइडिया दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है कि मैं मंजूर नहीं है फिलहाल, नहीं अभी प्लान डिस्कस कर रहे हैं। है। अच्छा बात कुछ यूं ये कि ये ना हर वक्त ऑलमोस्ट रोता रहता है जी मेरे पास पैसे नहीं है, तो हमने सोचा कि यार हम आपको एक बिजनेस पार्टनर, एज अ बिजनेस पार्टनर अपने साथ ऐड कर लेते हैं, हम करने जा रहे हैं बिजनेस स्टार्ट। और बिजनेस क्या है, ये बंदा तब से हमें बार बार पूछी जा रहा है कि कौन सा बिजनेस है। हमने इसको ये भी बता दिया कि यार आप अगर स्टार्ट पे थोड़ा रिस्की समझते हो तो आप हमारे साथ ना ऐड हो, ठीक है, एज अ बिजनेस पार्टनर हम आपको ना स्टार्ट पे ना हम आपको अच्छी सैलरी दे के ना एम्प्लॉय रख लेते हैं। 25 पैकेज हमने इनके साथ डील डन हो गई हमारी, ठीक है। और खाना जो है वो सारा खाना पीना इनका, अगर 20,000 लेंगे तो फिर खाना शाना ठीक है, और जो भी छोटे मोटे वो हमारा होगा। लेकिन उन्होंने कहा जी मुझे आप ना 25,000 दे दे, उसमें से मैं सब कुछ एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है। चले हैं, अब हम यहाँ पे रुके हैं, ये देखें आप लोग, हम एक मौसम काफी खूबसूरत था तो हमने सोचा कि जी यहाँ पे रुक के डिस्कस करते हैं। अच्छा भाई जान, प्लान ये है कि हम करने जा रहे हैं बिजनेस,
और बिजनेस जो आप इतनी बेताबी से पूछ रहे हैं बार बार, वो बिजनेस ये है कि हम लोग बनाने जा रहे हैं चार दरबार। दरबार जेडे बेरोजगार ने कारोबार नहीं है, सिर्फ 500 का नुकसा है, दो गले रख दो छड़क के उत्ते झंडे बन दे 10,000-5,000 रुपया दिहाड़ी सुकून नाल कमाओगे। और वहाँ की निगरानी करनी है आप, आपने सिर्फ शाम को जितना भी चंदा इकट्ठा होगा वो शाम को आपने हमें बताना है कितना चंदा इकट्ठा होगा। हाँ जी, वहाँ पे हम लगा रहे हैं चार गले, 500 का नुकसा है, दो गले रख दो छड़क के उत्ते। ठीक है, लोकेशंस हमने देख ली हैं, ठीक है, वहाँ पे हम चार गले लगाने जा रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट सारी हमारी है, ठीक है, वहाँ पे जो झंडे शंडे गले, ठीक है, जो भी पुराने कपड़े वगैरह कहीं से भी जहाँ से मर्जी, ठीक है, हम वो हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। आप लोगों का काम है सिर्फ वहाँ पे जाके रोजाना का कैश लेके आना, काउंट करके, और ईमानदारी के साथ हमने आपको इसलिए साथ ऐड किया कि ईमानदार लगे हैं, ठीक है। तो क्या आपको मंजूर है? मंजूर है, ठीक है। आप समझ रहे हो कि 25,000 सैलरी आप ऑन कैमरा कह रहे हैं जी कि आपको मंजूर है, ठीक है, बिल्कुल जी। बिलाल भाई ने कह दिया जी, कह दिया इनके बड़े भाई से भी, विकास भाई क्या कह रहे इनको? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, ठीक है। आप अगर कमिटमेंट से मुकरेंगे तो आपको 1,00,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। तो बिलाल भाई अब आप कब से स्टार्ट करें, हम हमें बता दें, हम अपना प्लान एग्जीक्यूट करने वाले हैं। चलो ठीक है, बाहर नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ठीक हो गया भाई, काफी भाई कॉन्फिडेंट लग रहे हैं इस चीज को लेके, तो माशाल्लाह। आप लोग दुआ कीजिएगा कि हमारा बिजनेस साइड बिजनेस चल जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। आज बारिश का मौसम था, कोई काम भी नहीं था, तो इसलिए हम सब निकले हैं। तो आगे निकलते हैं, चल 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 कहाँ जा रहे हैं? बाहर नहीं जाना, आगे जाना है, वहाँ पे जाके रुकते हैं। क्या ख्याल है? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशाल्लाह विलेज का व्यू है, जब इधर मौसम हो प्यारा और कश्मीर का व्यू हमें नजरना है, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। और अल्लाह का बड़ा फजल है, शुक्र है कि हम ऐसे वतन में और ऐसी सर जमीन पर रहते हैं जहाँ हमें यह सारा कुछ देखने को मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, खैराबाद दरबारा।